देखा मेरा कमाल? आपका मतलब आपने किया ये? और नहीं तो क्या, पड़ोसियों ने किया है? मेरे होते हुए तुम लोग कैसे रह सकते हो अंधेरे में? लेकिन ये कैसे किया आपने? पुत्र तुम आम खा, पेट क्यों गंदा है? आम इस सीजन में? ओफो, पापा जी, मैं आपके कमरे का एसी ऑन कर दूं? हाँ पुत्र, सारे एसी ऑन कर दे और सो जाओ आराम से। लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड, यू नो। इधर कुछ अंडरस्टैंड की करना है? पहले लाइट नहीं थी, अब लाइट है, तो सो जा आराम से, सोच मत ज्यादा। हाँ, गुड नाइट। कम ऑन। वाह वाह, ठंडी ठंडी हवाएं, ऑडिशन, तनु लख लख दुआएं। तू नहीं होता तो साड़ी तो बत्ती गुल थी। पापा जी, बोल पुत्र, इलेक्ट्रिसिटी कैसे आई? पुत्र, एक बार ऑडिशन अपनी पतंग उड़ा रहा था, वही ही अपना साइंटिस्ट, तो उसकी पतंग उड़ी आसमान विच, तो एकदम बिजली कड़की। पापा जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं आपसे वो सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस घर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे आई। क्यों पूछ रहा तुम? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आपने इस काम के लिए किसको कितने पैसे खिलाए। यू मीन रिश्वत? मैंने आज तक किसी को रिश्वत दी है? जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ आपको पापा जी, तभी तो मैं हैरान हूँ, क्योंकि जब तक मैं ये बिजली का बिल नहीं भरता, पावर तो आ ही नहीं सकता ना। भाई, तूने बिजली का बिल नहीं भरा, इसलिए बिजली कट गई? हाँ, आप बताइए आपने क्या किया? मैंने किया। क्या? मैंने ना पड़ोस वालों की बिजली की तार को कुली डाल दी, बस आगे बिजली। व्हाट? नहीं नहीं पापा जी, आप ये नहीं कर सकते। मैं तो कर चुका हूँ। लेकिन पापा जी, एक जुर्म है। नहीं पुत्र, मैं उनकी स्विच के पास 500 रुपया रखाया था। फिर भी ये एक जुर्म है पापा जी। विदाउट पंखा सोना भी तो जुर्म है। मेरा दम घुट जाता तो कौन जिम्मेवार था? दम तो अब मेरा घुट रहा, ये सोचकर अब आपका क्या होगा? मेरा क्या होगा? पुलिस आएगी और अब आपको गिरफ्तार करके ले जाएगी पापा जी। पुलिस? देवेंद्र सिंह धनोआ इन जेल? नहीं नहीं, इसमें तो तेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी पुत्र। लेकिन तू फिक्र ना कर, मैं तेरे नाम को बट्टा नहीं लगने दूंगा। तेरे बाप को जेल नहीं होगी, तू मैंने बचा ले। अब मैं क्या कर सकता हूँ पापा जी? पासे हट और मैनू जाने दे। When will he grow up? वो देखिए इंस्पेक्टर साहब। पड़ोसी, आइए आइए, ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, इस बदमाश ने मेरे घर से बिजली चुराई है। इसका जीता जागता सबूत है ये वायर। नहीं नहीं, ये वायर तो कपड़े सुखाने के लिए है। झूठ, पकड़ लो इन्हें। पापा जी, आप अपने घर में हो? पापा जी, घर में? मेरा घर कहाँ है? मेरे पड़ोस में, जहाँ से आपने बिजली चुराई है। बिजली कहाँ है? बिजली, ये बिजली है पापा जी, ये बीजी है। बीजी? पैरी पे ना बीजी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? तो समझा करना, बिजली के शौक से मेरी जायदाद चली गई है। हाँ, लेकिन इन्हें शौक लगा कैसे? मुझे तो इनकी बातों से ही शौक लग रहा है। शौक लग रहा है, लगता है तेरी भी जायदाद चली जाएगी। घर जा, घर। नहीं नहीं, लेकिन हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। आज मैं बिजी हूँ, फिर कभी आना जब मेरी जायदाद वापस आ जाए। देखिए, आप इन्हें ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिए, ओके प्लीज। हाँ, कहीं मुझे कुछ हो गया तो? आपका जो कुछ भी नुकसान हुआ है ना, वो मैं भर दूंगा। ये तो माफी मांग लेगा। अच्छा, इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, इसे माफ कर दो। नहीं, ठीक है ठीक है, इनकी हालत देखते हुए हम इन्हें माफ कर देते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसा कैसे थैंक यू? अरे, ये नाइंसाफी है। ओ चुप होए, जब खाकी वर्दी वाला इंस्पेक्टर कह रहा है कि माफ कर दिया तो कर दिया माफ। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? क्यों इंस्पेक्टर साहब? हाँ हाँ, चलो चलो अपने घर चलो। कमाल है, लेकिन इन्होंने बिजली चुराई है। क्या हुआ? मैं यहाँ पहुँचा हूँ। नहीं, लेकिन उन्होंने चोरी की। मैं क्या जी, उठो, चले गए वो लोग, और नाटक करने की जरूर नहीं। ओए, तू तो बड़ी होशियार हो गई है मेरे साथ रहते रहते। इलू, ये पंखा तो फिर से बंद हो गया। द होल थिंग इज दैट के पड़ोसी वायर निकालेंगे। अब क्या होगा, आज तो छुट्टी है, बिल तो कल ही भरा जाएगा। मतलब आज भी बिना पंखे और लाइट्स के रहना पड़ेगा? मेरे होते हुए ना पुत्र ना, मैं बड़े पक्के काम करता हूँ, पूरा बंदोबस्त कर रखा है, सिर्फ वायर घुमानी है इस पड़ोसी के घर से उस पड़ोसी के घर तक।